फाइनली दोस्तों मुंगेर यूनिवर्सिटी के द्वारा यूजी सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों जो भी स्टूडेंट बीए बीएससी या बीकॉम में अप्लाई किए हुए थे और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया और इंतजार कर रहे थे आखिर कब आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट, तो आपको बता दें फाइनली जस्ट अभी कुछ देर पहले लिंक एक्टिव कर दिया गया है। इस वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे कैसे आप जो है मेरिट लिस्ट का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, साथ में दोस्तों जो है कट ऑफ आप कैसे चेक करेंगे या नोटिफिकेशन जो होता है कब से कब तक आपका एडमिशन होगा सेकेंड मेरिट लिस्ट के अनुसार, तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी जो है मुंगेर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए आवेदन किए हुए हैं और सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आने वाला जो भी हमारा वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों डाउनलोड करने के लिए सिंपली दोस्तों गूगल में आइएगा और गूगल में सर्च कीजिएगा biharhelp.in। जैसे सर्च करेंगे बिहार के नंबर वन एजुकेशन पोर्टल पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सिंपली यूनिवर्सिटी वाला कैटेगरी ऊपर में भी मिल जाएगा और नीचे भी यूनिवर्सिटी अपडेट है जिसमें देख सकते हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी सेकेंड मेरिट लिस्ट डाउनलोड लिंक देख सकते हैं, इस पे क्लिक करना है। ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डायरेक्ट दे दिया गया है, आप आ सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे आपको सारा जानकारी लिखा गया है, जैसे आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट जो है 22 जून को रिलीज कर दिया गया है। एडमिशन जो प्रक्रिया शुरू होगा अगर आपका नाम सेकेंड मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आप जो है 22 जून से लेके यहाँ पे 23 जून से सॉरी लेके 28 जून के बीच में जो है आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि और डिटेल्स में आपको समझ में आ सके, और यहाँ पे 28 जून तक ले सकते हैं। यहाँ पे सारा जानकारी आप पढ़ लीजिएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा क्विक लिंक मिलेगा जहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा इस इमेज को ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे तो मेरिट लिस्ट है ही, यहाँ पे जो है एडमिशन सेकेंड मेरिट लिस्ट का नोटिस है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। नोटिस में जो है कुछ महत्वपूर्ण बात है जो कि हम आपको बता देते हैं, फिर आपको मेरिट लिस्ट बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है। तो इस नोटिस को आप फिर यहाँ पे जो है डायरेक्ट डाउनलोड सेकेंड मेरिट लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, क्लिक हियर और लिंक एक्टिव, इस पर क्लिक करेंगे मेरिट लिस्ट आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे यूजी सेकेंड मेरिट लिस्ट का जो है सेशन 2023 है और सेकेंड मेरिट लिस्ट है, यहाँ पे कॉलेज नेम होता है और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसी तरीके से जो है दूसरा कॉलेज का आ जाएगा। टोटल यहाँ पे 76 पेज में है, तो यहाँ पे आप चेक कैसे करेंगे कि आपका कौन सा नाम आया है नहीं, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको मोबाइल में अगर आप है तो आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है तो उसमें पीडीएफ सर्च करने का ऑप्शन आता है। अगर लैपटॉप में है तो आपको जो है दोस्तों कंट्रोल एफ करते हैं, लेकिन आप सर्च पे जैसे क्लिक करेंगे और आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे तो आपका नाम आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे नाम देख सकते हैं, ऑनर्स यहाँ पे देख सकते हैं, हिस्ट्री और मेरिट लिस्ट देख सकते हैं, और यहाँ पे बताएगा कि दोस्तों कितना यहाँ पे जो है मार्क्स था आपका। तो यहाँ पे आपको सीट अलॉटेड कर दिया जाएगा, जिस कॉलेज में ये ऊपर में आपका नाम होगा उस पेज को प्रिंट आउट ले सकते हैं आप, और यहाँ पे आपका ये एडमिशन का जो है अगर आपका नाम आ जाता है तो एडमिशन का ये जो है नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है 23 से लेके आपको 28 जून तक जो है आप नामांकन ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बताया जा रहा है कि मेगा सूची जांच करने के बाद अगर आपका इसमें नाम आ जाता है, उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन आपने किया था वो दोस्तों आपका ऑनलाइन का रिसीविंग हो गया, जो आवेदन पत्र हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है डैशबोर्ड कॉलेज विवरण प्रिंटी छाया प्रति, यानी कि दोस्तों आपको लॉग इन करके जो है डैशबोर्ड से प्रिंट करना है। उसके बाद 10वीं का मार्कशीट हो गया, 12वीं का हो गया, उसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र हो गया, CLC हो गया, ये सब चार फोटो लेके दोस्तों आपको अपने महाविद्यालय में यहाँ पे बताया छात्र छात्रा जो है दस्तावेज लेके जाएंगे और सत्यापन करवाएंगे कॉलेज से, वहां जमा करेंगे, उसके बाद दोस्तों उनका जो है एडमिशन हो पाएगा और सफलतापूर्वक। तो ये सब जानकारी नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिएगा, टोटल 76 पेज का पीडीएफ है, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे चेक हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे चेक करना है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।